जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे में किसानों ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी रामतनही राजपूत ने बताया कि बुंदेलखंड अंचल के किसानों की दयनीय हालत है। बिजली विभाग के द्वारा किसानों के किसी भी नलकूप के कोई भी कनेक्शन न काटे जाएं। उनका बिजली विभाग से यह समझौता हुआ था कि रबी की फसल आने तक किसी भी प्रकार से कोई भी कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि को प्राप्त करने के लिए किसान मारा मारा फिर रहा है। किसानों के साथ आए हैं तहसील परिसर में, क्या समस्या है? किसानों की समस्या ये है कि इस समय क्योंकि सिंचाई का समय चल रहा है, गेहूँ की सिंचाई चल रही है, और इस समय बिजली विद्युत विभाग वाले जो है लाइनें वो निजी कनेक्शन काट रहे हैं, जबकि हमारा पहले ये समझौता हुआ था, क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई थी, खरीफ की फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, इस कारण से किसानों के पास पैसा नहीं था, तो यहाँ समझौता हुआ था कि रबी की फसल आने तक हम किसी प्रकार का टच नहीं करेंगे, जो ये कर रहे हैं। अगर ये आज कनेक्शन काट देते हैं तो किसान पूछते रहते बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो भी फसल बर्बाद हुई, इसके पहले भी बर्बाद हुई है, तो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, कैसे बिजली बिल चुकाएगा। दूसरा ये है कि खरीफ की फसल में उड़द की और मूंग और तिल सब बर्बाद हो गया था, सरकार ने सर्वे भी करवाया, बीमा कंपनी भी उसमें शामिल थी, उस सर्वे की रिपोर्ट जाने के बावजूद भी अभी तक बीमा नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सर्वे करने के बाद एक महीने या दो महीने में पूरा पैसा आ जाएगा, तो ये जो अगस्त में इसका सर्वे होने के बावजूद अभी तक पैसा नहीं आया, जबकि पूरा साल निकल गया। किसान सम्मान निधि के लिए दर दर भटक रहा है, लेखपालों के पास जाता है, कृषि विभाग जाता है, फिर भी अभी तक बहुत सारे किसान इससे वंचित हैं। इसके पहले भी बीमा का पैसा नहीं मिला है, जबकि सूखा भी घोषित हुआ और प्रीमियम था वो भी नहीं बांटा गया। इस हिसाब से बीमा कंपनी पूरी तरीके से किसानों के शोषण कर रही है, और इसमें जो अनिवार्यता है, जबकि किसी भी योजना में कोई अनिवार्यता नहीं होती, किसान समझे कि योजना हमारे फायदे की या नहीं है, तो इसमें बाध्यता है कि जिसका किसान कार्ड बने, जो किसान है किसान कार्ड बना हुआ है, तो उससे प्रीमियम कट जाएगा। तो ये पूरा, मैं तो इसको जजिया कर कर कहता हूँ कि ये जजिया कर है। आपके द्वारा आज कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? हाँ, आज ये कार्यक्रम है कि इस समस्या से SDM महोदय को अवगत कराया जाए, जो स्थानीय समस्या है, विद्युत की समस्या है, रेवटा की एक समस्या है कि वहाँ 5 MVA का ट्रांसफार्मर रखा है, लेकिन उसको नहीं जोड़ा जा रहा है, इस वजह से वहाँ विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लाइनें भी विद्युत जर्जर हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं करवाया जा रहा है। क्या ज्ञापन वगैरह देने का? हाँ, ज्ञापन देना है SDM महोदय। कितनी सूत्री मांगों को लेकर? ये 5 सूत्री मांगों को। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता शीतू सेंगर की रिपोर्ट।